Hey, how's it going, everyone? My name is Mari Bar. बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे Himlands के world में. So guys, finally, पिछले episode में मैं और Dream Boy Dark Himlands के अंदर पहुंच गए थे बहुत ज़्यादा मशक्कत करने के बाद. And जैसे ही guys हम लोग Dark Himlands के अंदर पहुंचे थे ना, हम लोगों का जो experience है वो बहुत ही ज़्यादा next level था. First of all, यहाँ का जो मौसम है तुम लोग देख सकते हो भाई, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर बादलों के अंदर खून है. इतना ज्यादा खतरनाक मौसम है यहाँ का. एंड सीरियसली मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, दिखने में भाई जो हमारी विजिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है यार. एंड खास करके जो होगा लाला वगैरह वो इतने काले हैं, यू नो, पूरे के पूरे ब्लैक है भाई. अगर वो बंदे कहीं से हमको यहाँ पे देख भी रहे होंगे ना, हम लोगों को वो भी बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है. बट गाइस, डार्क हिमलैंड के अंदर पहुंचने के बाद एक सबसे अच्छी चीज जो हमारे साथ होती वो थी कि हम लोगों को यहाँ पर मिला विजर्ड. हम लोग हैरान हो गए. मुझे लगा था एक्चुअली कि ये बंदा शायद मर के यहाँ पर पहुंचा, बट ये बंदा गाइस ऑलरेडी यहाँ पर रहता है. बिकॉज ये बंदा जो हमारा विजर्ड था ना, जो हमारे हिमलैंड का विजर्ड था, ये उसका भाई था जो कि डार्क हिमलैंड के अंदर फंसा हुआ है. और इस बंदे ने हमारी बहुत ज्यादा मदद करी है गाइस. एंड इसने गाइस हमें एक बहुत ही मेजर इन्फॉर्मेशन दी थी लास्ट एपिसोड में, जो कि थी कि हम लोगों को अगर एंटिटी को मारना है ना, तो हम लोगों को उसका ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, जो कि एंटिटी का डार्क कैसल. बेसिकली इस वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ा कैसल है जहां पर एंटिटी रहती है, जहां से वो राज करती है. एंड वहीं से उसने हमारे पीछे होगा लाला एंड हुला लाला को छोड़ा था. तो गाइस आज का जो हमारा मेन प्लान है वो ये है कि उस कैसल को ढूंढना है मेरे को, ड्रीम बॉय को और एसडीओ को. और उस कैसल के अंदर जाने के बाद गाइस वहां पर एंटिटी को हम लोगों को हमेशा के लिए कैप्चर करना है. उसको हम लोग मार नहीं सकते, उसको कैप्चर करना है. उसकी टेक्निक भी गाइस हम लोगों को पता है ऑलरेडी, बट वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है. बिकॉज हम लोगों को बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, हम तीनों बंदों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ब्रो कहां पर हो सकता है वो वाला कैसल. हो सकता है वो वाला कैसल हमारा इस डायरेक्शन में हो सकता है, उस डायरेक्शन में हो सकता है, उस डायरेक्शन में या हो सकता है उस डायरेक्शन में हो. 1000 ब्लॉक, 2000 ब्लॉक, 20,000 ब्लॉक्स, 1,00,000 ब्लॉक्स दूर भी हो सकता है. वी हैव नो आइडिया उसको कहां पर ढूंढना है. तो गाइस उसके लिए हम तीन बंदों ने एक बहुत ही ओपी प्लान बनाया हुआ है. तुम लोगों को पता है जो फलाना जी है जो कि हमारा दोस्त था कभी, वो बंदा अब उस एंटिटी के साथ मिलकर काम कर रहा है, हम लोगों को मारने की ट्राई कर रहा है. और लास्ट एपिसोड में तो लिटरली एसजीओ को ऑलमोस्ट फेल दिया था भाई उस बंदे ने, सीरियसली मैन. तो गाइस हम लोगों ने प्लान बनाया था इससे पहले कि भाई हम लोग क्या करेंगे, फलाना जी के पीछे जाएंगे, उसको मारेंगे, इतना मारेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे, देन उसके बाद उसे इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उसको हमेशा हमेशा के लिए डार्क हिमलैंड के अंदर गाड़ देंगे, अभी मार देंगे. मतलब कहने का मतलब ये है. लेकिन गाइस मैं इससे पहले जस्ट अपने घर के अंदर घूम रहा था एंड मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक बहुत ही ओपी आइडिया जिससे हम लोग कैप्चर कर सकते हैं उस एंटिटी को जिसके लिए फलाना जी का जिंदा रहना जरूरी है. और अब ये चीज मैं इन दोनों को बताने वाला, मुझे नो आइडिया कि लोग यहां पर कैसे रिएक्ट करने वाले, बिकॉज ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है फलाना जी को मारने के लिए. बिकॉज उस बंदे ने डबल गेम खेली भाई हमारे साथ, सीरियसली. सो लेट्स सी, मैं इनको बताता हूँ एक बार. गाइस सुनो, हेलो, मैं जस्ट अभी डिस्कस ही कर रहा था कि जो हम लोगों ने इससे पहले प्लान बनाया था ना कि फलाना जी को हम लोग लाइक उससे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि डार्क एंटिटी, आई मीन जो फाइनल एंटिटी है उसका, जो डार्क कैसल है वो कहाँ पर है. बट गाइस मेरे दिमाग में एक आइडिया आया हुआ है, उस आइडिया के लिए मेरे को फलाना जी जिंदा चाहिए यार. मैं चाहता हूँ कि वो लास्ट तक बचा रहे. एंड वही नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको अगर हम लोग जिंदा रखेगा ना, वो आपको ही, जैसे ही उसको मौका मिलेगा ना, वो आपके ऊपर हमला करेगा या फिर हम जैसे किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है. नहीं, वो तो एकदम सही कह रहा है, एकदम सही बात है. अभी हम लोग उस पे ना विश्वास नहीं कर सकते. लेकिन एस जी सुनो, अगर हम लोगों को उस डार्क एंटिटी को कैप्चर करना है ना भाई, मेरे पास एक बहुत ही ओपी प्लान है. उसके लिए मेरे को ना फलाना जी की नॉलेज की जरूरत है. आप इस बात से एग्री करते हो ना कि फलाना जी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है यार. भाई उस बंदे को ऐसी ऐसी चीजें पता है, जो बंदा अनब्रेकेबल वॉल बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है. तो वो चीज अगर मैं उसके दिमाग से निकाल पाया, जो कि वो हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो देगा नहीं, तो उसके लिए हमें फलाना जी अपनी साइड चाहिए यार. अरे उसके ऊपर भरोसा मत रखो यार, वो बहुत ज्यादा मायावी और यहाँ पे तो और ज्यादा मायावी बन गया है, वो गारंटी हम लोगों को मारेगा. नहीं देखो, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, बट ऐसे उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है भाई, बहुत ही ओपी सॉल्यूशन है. पहले आप ये बताओ कि वो फैक्ट्री की डायरेक्शन में थी, मैं तो भूल ही गया यार. चलो ड्रीम बॉय सुनो, एग्जैक्टली क्या आपके पास वो पोर्शन ऑफ पीस पड़ा हुआ है? अरे पड़ा है ना भाई, पोर्शन ऑफ पीस है, फुल माल है. ऐसे आपको पता है पोर्शन ऑफ पीस के बारे में? नहीं, उसके ऊपर अभी तक उसका इस्तेमाल किया नहीं. एंड नाउ हम लोग उसका इस्तेमाल करने वाले हैं इसके लिए, क्या मतलब फलाना जी के लिए. आपको जैसे ही पोर्शन ऑफ पीस उसके ऊपर पड़ेगा ना, वो बंदा लिटरली सब कुछ भूल के हमारे साथ वापस हमारी टीम के अंदर आ जाएगा. जितना भी उसके दिमाग के अंदर जहर घोला ना एंटिटी ने, ब्रो सब कुछ भूल जाएगा वो बंदा एंड हमारी टीम में वापस आ जाएगा. तो भाई पोर्शन ऑफ पीस इतना ज्यादा मायावी है भाई. अरे भाई तुम लोगों ने कभी किसी के ऊपर ट्राई भी किया है वो पोर्शन? अरे नहीं, ट्राई तो नहीं कर रही, आपने किया क्या ट्राई कभी? एक ही तो पोर्शन पड़ा हुआ यार, एक पोर्शन ट्राई करेंगे तो खत्म हो जाएगा.
लेकिन हम लोगों ने पोर्शन ऑफ कंट्रोल ट्राई किया था ना होगा लाला के कॉलोन के ऊपर, परफेक्टली काम कर रहा था भाई। तो पोर्शन ऑफ पीस भी 100% काम करने वाला है। ये जो पोर्शन है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को विजर्ड ने दी थी भाई। विजर्ड कभी गलत नहीं होता हमारे हिमलैंड। विजर्ड है कहाँ पे पर वो? अरे विजर्ड कहाँ गया? विजर्ड वापस चला गया शायद। हाँ वो वापस चला गया। वो बंदा शायद से हमारे साथ गाइस आएगा नहीं लड़ने के लिए, बिकॉज उसने हमें बोला था कि भाई ये जो फाइट है तुम लोगों की फाइट है, एंड तुम लोगों को ही उस एंटिटी को खत्म करना है। आप एसजीओ में एक बात बताओ। अच्छा हाँ, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने यहाँ पर एसजीओ के लास्ट एपिसोड में जो हम लोगों ने यहाँ पर वो फैक्ट्री फाड़ी थी ना, इतनी मैजिकल थी ना ब्रो, मजा आ गया यार। सीरियसली लाइक हम लोगों ने इतना ओपी प्लान बनाया फलाना जी को दूर लेकर गया ड्रीम बॉय, और यहाँ पर हम लोगों ने भाई तबाही मचाई यार, बहुत सारा मजा। एंड गाइस देखो अंदर मेरे कितने सारे कॉलोन्स वगैरह बन रहे थे। ये लिटरली होगेलाल की वो वाली फैक्ट्री है जो यू नो जहाँ से हमारे पीछे कॉलोन्स हमारे हिमलैंड में छोड़ रहे थे वो लोग, एंड उसी बड़े पोर्टल के थ्रू छोड़ रहे थे, बहुत ज्यादा चालू थे। अब देखो इनकी जो सारे के सारे मैकेनिज्म थे ना वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आयरन नगेट बचा हुआ है। पूरा का पूरा जो पुतला था ना मेरा, अब मैंने तो देखा नहीं अंदर जाके, ऐसे बोल रहा था कि वहां पर बंदे खड़े थे भाई, लिटरली सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। बहुत सारे वही ना भाई, देखो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड फाइनली गाइस हम लोग अभी लीड पे हैं, हमें नहीं पता अभी होगा लाला हुला लाला डार्क एंटिटी फलाना जी ये चार बंदे कहां पर है, बट अब सिर्फ और सिर्फ यही चार बंदे बचे हैं गाइस इस वर्ल्ड के अंदर जिनको हमको रगड़ना है। तो ऐसे सुनो, कुछ आइडिया है आपको भाई कहां हो सकता है फलाना जी? उसको लेके गया तो ड्रीम बॉय पर, एक उसका लोकेशन है जहाँ पे वो हमेशा होता है टाइम पास करते हुए, इस पहाड़ी के पीछे। आर यू सीरियस? चले फिर उधर के लिए। अरे ड्रीम भाई आप कहाँ पर लेकर गए थे उसको? आपने कुछ उसको कैप्चर तो नहीं किया कहीं पे? आई डोंट थिंक सो, इसने कैप्चर किया था। अरे भाई मैंने उसको बस एक केव में बंद कर दिया था, वहां से आराम से 10 मिनट भाग सकते हैं फलाना जी। भाई ऐसा करो तो आ ही गया होगा यहाँ किधर के लिए, ऐसे ही चलते फिर उधर के लिए एंड पकड़ते भाई उस बंदे को। अरे सुनो 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 स्मार्टी, मुझे तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि हम लोग डायरेक्टली मार ही देते हैं ना, क्यों हम लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं प्लान भी नहीं। नहीं नहीं ऐसे ही सुनो भाई, फाइनल प्लान के लिए फलाना जी की जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग एंटिटी को कैप्चर, आप मुझे एक बात बताओ, क्राइंग ऑब्सीडियन की जेल के अंदर बंद करना उसको, हमने बिना क्राइंग ऑब्सीडियन की जेल के अंदर बंद किए वो कहीं से भी बाहर निकल सकता है, हम लोग हार जाएंगे। आपको क्या लगता है एंटिटी खड़ी होगी क्या वहां पर? अरे फिर हम लोग रुक क्यों रहे उसके ऊपर, अभी पोर्शन ऑफ पीस का इस्तेमाल करते हैं और खत्म कर देते हैं बात। नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी होता है यार। अरे अगर मैंने अभी और सिवक फलाना जी के ऊपर पोर्शन ऑफ पीस मार दिया ना ब्रो, वो सब कुछ भूल जाएगा जो उसके पास्ट में हुआ हुआ है, एंड वो बस हमारा दोस्त बन के रह जाएगा फिर उसके बाद, एंड वो भूल जाएगा कि डार्क एंटिटी का जो महल है वो कहाँ पर है ब्रो, है ना? तो पहले उससे इन्फॉर्मेशन निकालनी है ताकि हमें बताए कि वो कहाँ पर है, एंड देन उसके बाद उसके ऊपर पोर्शन ऑफ पीस मारना ताकि हमको मारना बंद करे भाई बंदा, समझ रहे ना आप? अरे पर वो क्यों बोलेगा ऐसे, थोड़ी वो डायरेक्टली बोल देगा भाई आसमान। अरे पेल लेंगे भाई हम उसको, तीन बंदे हैं मस्जिद, हम पेल लेंगे उसको अभी। अच्छा चलो रगड़ सकते हैं हम लोग पता है साथ में मिलके। भी बहुत रिस्की लग रहा है वो बंदा, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप डर क्यों रहे हो, हमारे पास आर्मर देखो आप, हम तीनों। अरे हम पेल लेंगे भाई, प्रोटेक्शन 25 के आर्मर है। वो देखो वो वहाँ पे कुछ है, ऊपर 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 उतर को। अरे कहाँ पे? वहाँ पे कुछ है देखो ना। रेंडर डिस्टेंस कम है यार, को मैं रेंडर डिस्टेंस बढ़ा साइड कह रहे हो आप, अब राइट साइड कह रहे हो लेफ्ट कह रहे हो? अरे भाई मेरे को अभी भी नहीं दिख रहा, मैंने रेंडर डिस्टेंस ज्यादा कर दिया है भाई साहब, ये फलाना यहां पे टाइम पास के लिए आता था। अरे किधर की साइड कह रहे हो आप भाई, बाप ये कितना बड़ा घर है ये। अरे तो कोई ट्री हाउस टाइप लग रहा है ना, टाइम पास के लिए आता था एकदम शांति सुकून के लिए, और यहाँ पे इतना बड़ा घर बना कर रखा इसने। अरे जी आप कभी आए हो इस जगह पे इससे पहले? नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ पे ऐसे ही टाइम पास के लिए आता था। अरे स्मार्टी भाई मत जाओ, ये फलाना जी की जगह किसी और एंटिटी का विलेज हुआ तो भाई कितना, भाई हम लोग इतनी गरीबी में रहते भाई, कितना अच्छा घर बनाया फलाना जी ने यार। पत्ते झड़ रहे हैं इसमें से यार। अरे यार मुझे ही लगता है फलाना का घर है, मैं यहाँ पे बहुत बार आया हूँ, मैंने सीरियसली एक घर देखा नहीं है, और एक दिन में मुझे ही लग रहा कोई बना सकता है इतना बड़ा घर। किसका घर होगा भाई? अगर ये किसी और एंटिटी का घर निकला तो भाई। नहीं 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 भाई, एंटिटी या हो सकता है भाई, हमारी मेन एंटिटी ने कोई और एंटिटी होगा लाला ऐसी छोड़ दियो भाई जो यहाँ पे रहती है मैन। अरे भाई ऊपर जाना जरूरी तो है, लेकिन यार इस सर्वर के ऊपर कोई भी आ रहा है कहीं भी और कुछ भी बना के जा रहा है भाई। सुनो स्मार्टी भाई सुनो, डर क्यों रहे, इतना चलते हैं एक्सप्लोर करने, हमने कितना करा है आपको पता ही है। हाँ सही बात है, ऐसा करते हैं ट्यूब जाओ ऊपर आप देख कर आओ एक बार ढंग से, ठीक है ना? अरे एक भाई फिर झटकाते हैं हम लोग, एक बार ढंग से देख कर आओ। हम लोग बाहर से नजर मारते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना? मरना मत उसको, जाए टोटम है ना उसको यूज। हाँ टोटम अपने हाथ पे रखो ना आप। अरे टोटम नहीं है, खत्म हो गया मेरा। मैं आस पास नजर मारता, हो सकता है कि यहाँ पर एक इल्यूजन हो, जैसे लास्ट एपिसोड में हमारा इल्यूजन हुआ था ना एक, जहाँ पर वो बड़े बड़े ब्लॉक्स थे, हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग छोटे बन चुके, बट एक्चुअली हम लोग छोटे नहीं थे। ड्रीमा कुछ दिखा अंदर? अरे स्मार्टी भाई इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, क्या नल्ला घर बनाया इन्होंने खाली अंदर से। बड़ा घर बनाने का फायदा क्या हो फिर भाई?
पूरा घर खाली है अंदर से। अरे फलाना जी देख रहा है ऊपर से, हेलो ऊपर अरे मेरे को कोई नेदरराइट की शॉट दे दो यार भाई कुछ। अरे आजा फलाना, अरे मेरे पास है ना नेदरराइट का अंगे बेटे। अरे जल्दी दो, ये लो जी लो बे। अरे आपको इंगेर पर, ओ माय गॉड चल रहा है भाई बंदो। अरे जब भी भाग लगे किसी में तो समझ रहा ड्रिंक बॉय ने मारा है। रुको, मैंने अपने लिए तलवार बना भाई फटाफट, ठीक है ना। पानी में जाने मत देना इसको, पानी में जाने मत देना। आजा बेटे फलाने, ब्रो गंदा एम करने ही में विद्यत। अरे मेरे पास वो नहीं है, सुनो मेरे को आयरन गैंगेट भी चाहिए। वेट मेरे पास इधर आओ, फलाना जी आज हम लोग आपको मारने के प्लानिंग में थे बट मेरी वजह से बस। अरे ये बंदा हवा में उड़ रहा है यार, होगा स्मार्टी भाग रहा है। पकड़ो My God, मेरे को दो जल्दी, मेरे को आयरन गैंगर पकड़ा, मेरे को अपने लिए शॉर्ट बनानी है। ले जाओ। मैं जल्दी से बना रहा हूँ यहाँ पे। दो यहाँ पर ये रखने थे, ये यहाँ पर ये रखना था। Let's go। इसके साथ अब मैं इसका अपग्रेड कर सकता हूँ। आजा। मेरे को बचाओ। जब भी लगे आग तो समझना ड्रीम बॉय ने मारा है। जो मैं बचा हूँ अभी कसम से। आग लगी है, मुझे मार रहे हो आप। सॉरी भाई, भाई फलाना जी पे इतनी पावर्स कहाँ से आ गई हैं? आजा तेरी नल्ले के पकड़े, मार उसको यार। भी रहा है या नहीं रख रहा? ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है यार, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है बंदा। आ जा तू बेटा, आ तू क्या खेला लड़ेगा रे हमसे तू फलाने? डरते नहीं है अभी, तीन बंदे मिलकर मार रहे इसको भाई। ये बता, अरे स्मार्टी भाई, अरे इसके पास ये कैसा, अरे सुनिए आपने ये कैसा पावर से। हमने सोचा था कि इसको मारेंगे, ये बंदा हमको मार देगा लिटरली। एजू भाई यहाँ से निकलो जल्दी, निकलो। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था। अरे ये यहाँ पे फंसा है। मैंने बस के बैठे मेरे पास है। माय गॉड, थोड़ा दूर रहो एजू, थोड़ा बच के चलो यार, इसको हम लोग नहीं पकड़ सकते ऐसे। अरे वो भाग रहा है जंगल के, यहाँ पे गया वो। मेरे को आप दोनों दिख रहे हो, अरे हमारे पीछे आ रहे हो, छुपो छुपो यहाँ पे था। अरे भाई साहब, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने काम किया। अरे ओ माय गॉड, बिजली मैं नीचे गिर गया गाइस, जल्दी मैं नीचे गिर चुका लिटरली स्पीकिंग। मैं चलो पानी घेर दिया मैंने, जल्दी आ जाओ। हाँ पानी घेर करो, मैं ब्लॉक्स निकाल रहा अपने लिए। ओ भाई साहब, ब्रो मेरी बैंड बजा दी इस बंदे ने लिटरली स्पीकिंग। भाई मैं नीचे फंस चुका, मैंने ब्लॉक डाल दी, पानी आ गया नीचे अभी तक यार। अरे ऐसे निकलो भाई, क्यों ऐसे नीचे क्यों आ रहे हो? जल्दी मैं तो भाई यहाँ पे पानी के नीचे छुप रहा हूँ भाई। अरे ऐसे आप क्या बोल रहे थे, उसको मारेंगे भाई? ये बंदा ने मारी पे आगे बाहर आ गया, ओ माय गॉड, इसने वो फाड़ दिया। मैं कहां पे बोल रहा था हम लोग मार सकते हैं ब्रो, ये बंदा कितना पावरफुल। नहीं ऐसे अगर हमने पोशन फेंक दिया ना अभी और इसी वक्त, तो गाइस हमारा जो आखिरी उम्मीद है ना फलाना जी, जो हमको उस डार्क एंटिटी के कैसल तक लेके जा सकता है, ऐसे हम लोग वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, ये पहले जैसा नहीं रहा भाई, बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब हम लोग इससे इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे भाई, इम्पॉसिबल हो चुका है यार। मैं वो ही तो बोल रहा था, थोड़ा दूर चलो आप इधर आओ। अरे वो हमें मार दे, उससे अच्छा पोशन मार दो, थोड़ा बहुत तो याद रहेगा उसको, बाद में देखेंगे। ऐसे हो भाई, मेरे को जो ये रेसिपी है, जो ये नुस्खा है, ये विजर्ड ने बताया था, विजर्ड ने 100% क्लेम किया है ब्रो। पीछे से आ रहा हमारे, ये निकलो। अरे ड्रीम बॉय है यार, अरे सीरियसली मैं डर रहा हूँ यार। आपको पता है मेरे को विजर्ड ने लिटरली ये चीज बोली है कि भाई अगर हमने पीस ऑफ पोशन ऑफ पीस किसी के ऊपर मारा, वो लिटरली भूल जाएगा सब कुछ यार। मतलब एक टाइप से उसका ब्रेन वॉश हो जाएगा भाई। पावर्स तो देख लिए ना, अगर वो गलती से हमें मारते तो मुझे पता भी नहीं हम लोग जाएंगे कहाँ पे। गाइस मेरे पास एक बहुत ही ओपी प्लान है, रुको इधर आओ, पहले यहाँ अंदर घुसो, इधर आओ। पहले हम लोगों को एक जगह पर सेफ घुसना पड़ेगा। मैं तुम लोगों को एक बहुत ही ओपी प्लान बताता हूँ, थोड़ा अजीब लगेगा तुम लोगों को सुन के, बट ये प्लान है, ये काम जरूर करने वाला है। गाइस बंद करो इसको, मेरे पास एक ऐसा प्लान है ना ब्रो, जो कि मतलब काम कर गया तो हम लोगों के बल्ले बल्ले लग जाएंगे, अगर काम नहीं किया तो भाई हम लोग यहाँ पर कहीं पे जमीन के अंदर गड़े हुए मिलेंगे, सीरियसली मैन। तो सुनो गाइस, हम लोग यहाँ पे सरेंडर कर लेते हैं। क्या सच में?
और वो फलाना कुछ करेगा ही नहीं भाई, हम लोग वो शाबाशी देगा ना। नहीं 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 मेरी बात सुनो, हम लोग जैसे फलाना जी का आगे सरेंडर करेंगे क्या बोल के, ऐसे नहीं कि भाई हम लोगों ने हार मान ली है, हम लोग तेरी एंटिटी की गैंग को ज्वाइन कर लेंगे, हमारी जान बख्श दे, इतना बोलना बस। और मार के भाई, पर वो सुनेगा, वो मारना चालू करेगा भाई पहले। ऐसे देखो वो मारेगा, हम लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो माने। अगर वो बंदा मान गया कि हम लोग सरेंडर करने के लिए तैयार है और हम लोग उसकी गैंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, और मान के चल लो वो बंदा मान गया जो, तो भाई वो हमको खुद अपने हाथों से अपने साथ लेकर जाएगा डार्क एंटिटी के कैसल और, तक। और ये भी मान के चलो मेरे को, मेरे को, अभी मेरे को फुटस्टेप की आवाज आ रही है ब्रो, कसम मेरे को फुटस्टेप की आवाज आई ब्रो। अरे कोई वो होगा, मॉब होगा। आप ये मान के चलो अगर उन्होंने हमें मार दिया तो फिर क्या करेंगे हम लोग भाई, ऐसे भी मरने वाले ड्रीम बॉय? आपको लगता है आप फलाने जी को मार सकते हो? मुझे तो नहीं लगता भाई। अभी उसने देखा क्या क्या गड्ढे कर रहा है भाई वो बंदा यार। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ पोशन मार दो, खत्म कर दो बात। ये आपका प्लान मेरे बहुत रिस्की है। मेरे पास एक प्लान है, सुनो ड्रीम बॉय, पोशन अपने पास रखना। अगर जैसे हम लोग मरने वाले होंगे एक परफेक्ट टाइमिंग पे फेंक देना पोशन उसके ऊपर, ठीक है ना? अगर मान के चल रहे जो मान गया सरेंडर वाली स्कीम से ना, तो ब्रो सीरियसली टॉकिंग मैन, हम लोग सीधा डार्क एंटिटी के पास पहुंचने वाले हैं ब्रो। मजा आ जाएगा यार, सीरियसली बता रहा हूँ, हमारा काम हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आज के आज डार्क एंटिटी को हम लोग खत्म कर दे ब्रो, क्या बोलते हो? पोशन तो पड़ा हुआ, मार देंगे पोशन उसके ऊपर। ये पॉसिबल हो सकता है पर मुझे बहुत ज्यादा 90% ये नहीं होगा यार। अरे मैं रेडी हूं, मुझे भरोसा है पूरा, ये कैसे नहीं होगा, हम करके दिखाएंगे। एसजीओ आपको पता है हम लोग डार्क हिमलैंड तक पहुंचे हैं ना, हम लोगों ने क्या क्या किया है, मेरा ड्रीम बॉय इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल टास्क कंप्लीट किया हम दोनों ने। ये 10% चांस बहुत ज्यादा सर्वाइवल के, 5% भी होता मैं तब भी रिस्क लेता, बिकॉज पोशन और पीस हाथ में पड़ा हो भाई, मारेगा मार देंगे इसके सर पे, भूल जाएगा सब कुछ, तो कुछ ना कुछ और पर नॉर्मल निकाल देंगे। इसकी बात अलग थी यार, डार्क हिमलैंड बहुत खतरनाक है यार, बहुत यार जो मैं मानता हूं इसको बहुत खतरनाक है, बट आई डोंट थिंक सो हमारे पास कोई और रास्ता है अभी। मैं लिटरली छोटे छोटे रैबिट से भी मर सकता था, इतने ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे मॉब्स भाई। हम लोग भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें उठा के आए हैं, आपको पता है? ठीक है आप टोटम ले लो, पोशन ऑफ पीस ले लो और कर लेते हैं भाई, क्या तरीका है भाई। अब मेरी बात सुनो गाइस, बाहर चलो, आई हैव अ प्लान। एज यू अब आप ही को बात करनी पड़ेगी उसके साथ, ठीक है ना ब्रो? आप बात करो और हमारे पीछे पड़ा रहेगा, हमको मारता रहेगा कंटिन्यूअसली, लेकिन हम लोग को बस मेक श्योर करना है कि वो मान जाए यार बंदा एक बारी। अगर मान गया मेरा तो भाई हमारे मजे पड़ जाएंगे। बहुत मुश्किल है यार, बिकॉज वो ऑलरेडी मेरा उसके साथ पंगा आपसे भी ज्यादा पहले चल हुआ है भाई। ट्राई करते एक बारी, चलो गाइस। ओह माय गॉड भाई, रिस्की है मैं मानता हूँ। ड्रीम सुनो, अपने हाथ से पोशन निकाल के रखना भाई, ठीक है ना? अरे पोशन पूरा रेडी, आप दिक्कत मत लो। ज्यादा अरे पर मत जाओ गाइस, सिंगल तो पहले ही मत जाओ भाई, अलग अलग मत जाना मैन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अलग तो जाना, मेरे यहाँ पे फलाना जी है, जल्दी मेरे पास आ जाओ। मैं आ रहा हूँ, फलाना जी हम लोग सरेंडर कर रहे हैं, हमारे बात करनी है एक में। फलाना जी रुक जाओ, हम लोग सरेंडर करने के लिए आए भाई, हम लोग सरेंडर। अरे रुक ना जरा, अरे रुक जा भाई, रुक जा, बात करनी है भाई। मेरी शील्ड तो इसको दे रहे सीरियसली। अरे फलाना जी भूल गए, मेरी भी शील्ड गई, रुक मेरे पास तो एक और है, वेट। अरे सरेंडर करने के लिए आए हम लोग, अरे सरेंडर करना चाहते हैं मान नहीं रहे भाई। अरे पोशन निकाल कर, पोशन निकाल के रखो। अरे भाई मान जा भाई, अरे आ जा फलाना, इतना अरे रुक जा भाई, हम लोग यहाँ पे सरेंडर करना चाहते हैं फलाना जी, हम लोग सरेंडर करना चाहते हैं। सरेंडर समझता है सरेंडर क्या होता है? सरेंडर सरेंडर, हेलो 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 हेलो, ये बंदा नहीं मान रहा यार फलाना जी, रुक गया, वेट रुक गया बंदा, एक मिनट हिल रहा ही नहीं। फलाना जी हम लोग यहाँ पे, आई स्वेयर फलाना जी सुनो, हम लोग यहाँ पे सरेंडर करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे सरेंडर करने भाई, इसकी आंखें पूरी सफेद है यार। फलाना जी हम लोग यहाँ पे सरेंडर करने आए, किसी ने कब्जा कर रखा है क्या? ये क्या खाना दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सरेंडर करने आए भाई। और अगर तो फाइनली फलाना जी मान गए हैं हमारे इस प्रस्ताव को, इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया, और हमने इनको बोल दिया कि भाई हम लोग चाहते हैं डार्क एंटिटी की गैंग को ज्वाइन करना भाई, बिकॉज वो यहाँ पे सबसे ज्यादा महा पावरफुल है, एंड हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसके चेले बनकर रहे लाइफ टाइम के लिए। फलाना जी अग्री कर चुका है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी कंडीशन इसने हमारे सामने रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बोला है कि यहाँ पर एक चेस्ट रखने वाला है नीचे, एंड देन चेस्ट रखने के बाद हम लोग अपने आर्मर्स वगैरह यहाँ पे नीचे निकालने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा मेरे को शक हो रहा है फलाना जी, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ प्लीज यार हमको मारना मत, जैसे हम लोग यहाँ पे चेस्ट निकालेंगे उसको प्लीज हमको मारना मत आपने यार। एंड हम लोग को क्या करना है गाइस, अपने अपने यहाँ पे सामान सारे के सारे अंदर रख देने हैं, एंड जितना भी हम लोग यहाँ पे सामान लेकर आए गए सारा का सारा सामान यहाँ पर रखने के बाद फलाना जी ने हमें बोला कि ये हम लोगों को ना एक टेस्ट के लिए लेके जाने वाला है,
बिकॉज डार्क एंटिटी ऐसे भी किसी नल्ले को अपनी टीम में लेती नहीं, तो अगर हम लोग यहाँ पर सारे के सारे टेस्ट को कंप्लीट करने कर लेंगे ना, तो अभी हम लोग यहाँ पे डार्क एंटिटी की गैंग को ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। एंड इसने बोला कि वो टेस्ट देना यहाँ पर जरूरी है, 100% जरूरी है, फलाना जी ने भी दिया था एंड ये उसमें पास हुआ था उस टाइम पे, और अब फलाना जी हमें उस जगह पे लेके जाने वाला है एंड हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम लोग गाइस उस टेस्ट में यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, टेस्ट को हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे डार्क एंटिटी से मिलने भी जा सकते हैं। मैन बहुत ही अच्छी बात है, तो पूरा नंगा कर दिया, पूरा नंगा कर दिया। फ्रांस जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है भाई, हमला मत करना, मारना मत। अरे बस हमारा कोई माल चोरी ना कर ले यार, उसमें मेरे बहुत खतरनाक आर्मर्स हैं। अरे ड्रीम बॉय चोरी होने तो, ये अभी एंटिटी हम लोग को देगा ना, नए लॉर्ड, हमारे बिग लॉर्ड हम लोग को देंगे, हमारे नए भगवान हमें देंगे ना भाई। हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है भाई इनके उस न्यू गैंग को ज्वाइन करने के लिए। और अगर तो फलाना जी ने हम तीन बंदों को गाइस यहाँ पर तीन ब्लॉक्स के ऊपर खड़ा किया हुआ है, और अब इसने हमें बताया कि यहाँ से हमको पता नहीं कहाँ पर भेजने वाला है एंड वहाँ पर हम लोगों को कुछ टास्क मिलने वाले, इनफैक्ट टास्क नहीं मिलने वाले है, वहाँ पर हम लोगों को मिलने वाले कुछ चैलेंजेस एंड हम लोगों को उन चैलेंजेस को जिंदा होकर पार करना, मतलब मरना नहीं है, मरेंगे तो हम लोग पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, तुम लोगों को पता है, बट अगर हम लोगों ने सारे के सारे चैलेंजेस को पार कर लिया तभी गाइस हम लोग यहाँ पे डार्क एंटिटी के उस गैंग को ज्वाइन कर सकते हैं। बट आई हैव नो आइडिया बंदा मास्टर क्या करने वाला ब्रो वो। अरे मेरी स्क्रीन घूम रही है, मेरी स्क्रीन घूम रही है भाई, ये क्या हो रहा है? ओ फॉर फिश अगेन, अरे मैं कहां पे पहुंच गई, टेलीपोर्ट हो गए भाई मैं। हेलो हम लोगों को ये यार, हम लोग, अरे मुझे सच के चक्कर आ रहे हैं भाई, हम लोग किसी रूम में, किसी रूम में आ गए यार, ये क्या है, किसी ने, हेलो किसी रूम में आ गया हूँ, ये व्हाइट कलर का कुछ रूम है यार ब्रो, हम लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं, हम लोग एक्चुअली यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं ब्रो। ओ अरे प्रेशर प्लेट में क्यों कदम रख रहे हो यार, मैंने गलती से सारी प्रेशर प्लेट दबा दी, मेरे साथ नहीं हो पर मेरे यहाँ पे प्रेशर प्लेट है यार। अरे मेरे साथ भी कोई भी नहीं है, अरे हम लोग सारे अलग अलग, ओह माय गॉड, हम लोग सारे सारे अलग अलग जगह पे आए हैं एंड हम लोगों के सारे टास्क सिंगल हैंडेडली, मतलब अकेले अकेले जाकर कंप्लीट करने पड़ेंगे। किले के अंदर हो क्या, व्हाइट किले के अंदर हूं मैं, हां पूरा का पूरा व्हाइट है, देखो यहाँ पे टॉर्चेस है भाई, कितनी अलग अलग टॉर्चेस हैं, क्या रेड स्टोन की टॉर्चेस है एक्चुअली। यहाँ पर गली है सामने, तुम्हारे सामने गली है क्या कोई? हम लोग यहाँ पे सब कुछ सिंगल सिंगल करना पड़ेगा, इस मरना मत ठीक है ना। हेलो हेलो एजियो, हेलो अरे भाई, हेलो ड्रीम बॉय, गया कनेक्शन भाई, ये तो होता ही है यार हर बार यार, इसकी बैस की आंख। और अगर तो अब हम लोगों ने यहाँ पर ये टास्क को सिंगल सिंगल करना, मैंने ये सारी प्रेशर प्लेट एक बार दबा तो दिया है बट मैं उसको फिर से यहाँ पे दबाना नहीं चाहता हूँ मैन। ओह माय गॉड, तुम लोग देख रहे हो मुंह के सामने जो गली है, जैसे वो हॉरर गेम्स खेलते हैं ना हम लोग, उनके अंदर वैसे कॉरिडोर टाइप आते हैं भाई, एग्जैक्ट सेम वैसा ही लग रहा है यार, पीछे से कोई आना जाए यार ब्रो। ओ माय गॉड, मैं तो FI में खेलने वाला ताकि मेरे को दूर दूर का सब कुछ अच्छे तरीके से देख सके, पीछे कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं। एंड यहाँ से आगे क्या है ये? ओके यहाँ से आगे और कुछ प्रेशर प्लेट्स है, अब ऐसे मैं को दबाना चाहता नहीं हूँ बट प्रेशर प्लेट है तो दबाता हूँ, जरा देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। कुछ भी नहीं हो रहा है प्रेशर प्लेट के साथ, तो भाई हेलो इसके साथ भी कुछ भी नहीं हुआ, और ये वाली प्रेशर प्लेट, भाई प्रेशर प्लेट कुछ भी नहीं कर रही है मैन। अब देखो गाइस यहाँ पर ना ये एक्चुअली फोर्ट्रेस के ब्लॉक्स हैं और ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और देखो मैं इसको यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक दबा के रखा है, कुछ भी नहीं हो रहा है भाई, और ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ये वाले ब्लॉक्स टूटते ही नहीं। देखो यहाँ पे मैं इस टॉर्च को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी यहाँ पे नहीं टूट रही है। यही तो गाइस मैं तुम लोग को बताइए, फलाना जी ने बनाया होगा, फलाना जी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है इस वक्त एंड इसीलिए मेरे को फलाना जी की जरूरत है गाइस। अभी देखो तुम लोग यहाँ पे मेरा जो प्लान है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त यहाँ पे फलाना जी मेरे को सुन रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को टास्क मिला हुआ है इस पूरे के पूरे चैलेंज वाले जो भी है ये जगह, इसको कंप्लीट करने की। तो देखो हम लोग गाइस फलाना जी को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी टीम में, बिकॉज एक ऐसा ट्रैप गाइस मैं फिनाले में बनाने वाला हूँ जो कि एंटिटी को कैप्चर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्राइंग ऑब्सीडियन का, जो कि मैं नहीं बना सकता हूँ, उसकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ हमारे फलाना जी के पास। और ये कैसे कैसे पार्टिकल्स है भाई, बहुत ही अजीब लग रहा है। एंड ये ओके वहां सामने एक दरवाजा है, मेरे को उस दरवाजे को खोलना है, बट यहाँ पर मुंह के सामने बहुत सारे कॉबवेब है, यहाँ पर प्रेशर प्लेट को दबा कर तो कुछ भी नहीं होगा, मैं एक बार फिर से यहाँ पर ट्राई करूंगा, यस कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड ओ वहां साइड में देखो रेड स्टोन वाले वो है, ओके मैं समझ गया हूँ, ये रुक यहाँ पर वो है, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो यहाँ से रेड स्टोन पूरा आगे के लिए जाएगा एंड लास्ट तक पहुंचने के बाद दरवाजा खुल जाएगा। ओ माय गॉड मैं समझ चुका हूँ मैन, देखो नीचे सोल सैंड है जिसपे हमारी स्पीड कम हो जाती है, तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर अपनी स्पीड टेस्ट करनी पड़ेगी। निकल निकल निकल, फास्ट चल फास्ट चल फास्ट चल फास्ट चल फास्ट चल फास्ट चल, कमन 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 कमन, हो गया, यस फर्स्ट टाइम पे पार कर दिया, ओ यस दिस इज नाइस। ये क्या सीन है मुंह के सामने, रुको इसको दबाता हूँ प्रेशर प्लेट को, हाँ कुछ भी नहीं होगा ठीक है बेस्ट है, मुंह के सामने यहाँ पे लावा है भाई। हम लोग डार्क, पहली बात तो कह कि डार्क इमलैंड का जो टेक्सचर है ना ब्रो बहुत ही ज्यादा अजीब है, एंड यस जो मेरे को लग ही रहा था, देखो
लावा के नीचे यहाँ पर बहुत सारे ये रखे हुए साइन बोर्ड रखे हुए हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं छलांग मारूंगा तो मैं इसके थ्रू आर पार हो जाऊंगा। कम ऑन, मरी मत, मरी मत, मरी मत, मरी मत। 2.5 hours, 3 hearts पे हूँ मैं। Oh my God, pick a path. What? यहाँ से नीचे पाथ है क्या कोई? Okay, यहाँ से नीचे आने का रास्ता है और यहाँ पर क्या है? Pick a path. And यहाँ से नीचे जाने का भी रास्ता है। Are you serious? मतलब हम लोगों को यहाँ पर एक सही रास्ता चूज करना पड़ेगा। इनमें से कोई एक रास्ता डेथ ट्रैप होगा 100%। अब देखो ये वाली जो जगह है जी बहुत ज्यादा डार्क है ना, नीचे कुछ ज्यादा खास मेरे को दिख नहीं रहा है। ये वाली जगह गाइस डार्क नहीं है, देखो नीचे यहाँ पर साफ साफ मुझे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से नीचे हमारा कोई ट्रैप हो। बट जो ये डार्क वाला है, हो सकता है यहाँ से नीचे ट्रैप ना हो और ये हमारा असली वाला रास्ता हो। और अब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया कि मेरे को यहाँ पर क्या चीज पिक करनी चाहिए। कोई हिंट तो हो भाई यहाँ पर आसपास यार। ओ माय गॉड, अब मेरे को कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए भाई? मुझे दिख रहा है यहाँ से नीचे, बट मेरे को सच्ची में लग रहा है कि ये हमारा यहाँ पर एक डेथ ट्रैप हो सकता है। एंड वो जो दूसरा वाला रास्ता है ना, वही हमारा असली वाला होगा गाइस। बट यार अगर ड्रीम बॉय या फिर एसजीओ में से किसी एक ने गलत वाला रास्ता यहाँ पे चूज कर दे तो वो मर जाएंगे भाई, और मुझे लग रहा है मैं भी अभी यहाँ पर मर सकता हूँ। बट भाई मैं भगवान का नाम लेकर छलांग मारने वाला हूँ। ओके गाइस, 3, 2, 1, जय माता दी, लेट्स गो। जय माता दी, जय माता दी। अरे मैं सेफ हूँ। ओ भाई साहब बच गया यार मेरे पास। अरे नहीं, अरे वहां से अंदर तो वो है। डोंट टेल मी कि होगा लाला या हुला लाला का खिलौना है। एक सेकंड रुको। अरे भाई भैया यार ये बंदा, अरे मैं कैसे लड़ूंगा इससे? 3 hearts पे हूँ भाई और मेरे पास हंगर बार भी नहीं है। अरे वापस जाने दो भाई, ऊपर भी नहीं जा सकता गाइस, मैं तो यार मैं तो फंस गया हूँ। पर भाई अगर इस बंदे को मेरे को मारना होता ना गाइस, वो छोटी सी जेल के अंदर बंदे बंदा भाई अभी तक लिटरली मेरे को आकर बंदा मार भी चुका होता यार। अरे देखो भाई उधर ही है बंदा, रुको नीचे कुछ और दिखता है मेरे को कि नहीं दिखता? मेरे को लग रहा है बंदा बाहर आ सकता है, वहां पर एक प्रेशर प्लेट है वो अलग बात है, बट अंदर की साइड से कोई प्रेशर प्लेट नहीं है। बहुत सूरत उधर ही रही हो, इधर आने की कोशिश ना करियो। रुको जरा इन प्रेशर प्लेट को दबाते हैं, क्या पता इससे कोई यहाँ पे सीक्रेट दरवाजा खुल जाए। भाई कुछ भी नहीं खुला यार। ओ माय गॉड, मैं इतनी छोटी जगह पे फंस चुका हूं यार, अभी 3 hearts है मेरे सिर्फ, मैं कैसे लड़ूंगा इस बंदे से? मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई करना क्या है यहाँ पे भाई। क्या व्हाट सरवाइव 30 seconds विद हिम? ये क्या मजा? ओ हेलो, खाना है उसके अंदर, खाना है इसके अंदर। ये मतलब भाग गया? वो नहीं कर पा रहा हूँ। आजा तेरी पकड़ है, मैं बच गया इससे, मैं मरने वाला हूँ। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, खाना खा ले भाई। जैसे ही वो लास्ट का 1 second हुआ ना गाइस, उस बंदे ने नीचे का ब्लॉक तोड़ा, मैं खाना खा रहा था और मैं 2 hearts पे था। अगर वो मेरे को एक बार टच करता मेरे यहाँ पे लग जाते सीरियसली। ओ भाई साहब बच गया यार। ओके लेट्स गो यहाँ से आगे, अब देखते हैं भाई यहाँ से आगे क्या है। भाई मेरे दिल की धड़कनें आई स्वेयर बहुत ज्यादा तेज हो गई थी यार। ओके बेटर गियर वेपन्स, क्यों भाई? ओके यहाँ पे एक और प्रेशर प्लेट है भाई, प्रेशर प्लेट किसी भी काम की नहीं। यहाँ से अंदर कौन है? बदसूरत है, यहाँ से अंदर एक ज़ॉम्बी दिया हुआ है जिसके हाथ में मुझे लिटरली कुछ ना कुछ तो दिखा था यार अभी, बट आई हैव नो आइडिया वो क्या है। मुझे इसके लिए गियर अप करने के लिए बोल रहे हैं, यू नो। ओ भाई, ओ माय गॉड। ओके अगर इन्होंने मेरे को यहाँ पर दिया हुआ अच्छा अच्छा माल, तो यू नो मैं ऐसा करता हूँ भाई, ये सब कुछ लेके चलता हूँ, बिकॉज किसी ना किसी रीजन की वजह से दिया होगा। अच्छा मैं समझ गया, ये वाली जो इनकी यहाँ पे परीक्षा है ना, ये बेसिकली हमारी यहाँ पे फाइटिंग वाली परीक्षा है। ये देखना चाहते हैं कि क्या हम लोग एंटिटी की जो यहाँ पर हमारी सेना बनने वाली है उसके सेनापति बन सकते हैं, या तो फिर क्या हम लोग उसके लिए लड़ भी सकते हैं मॉब्स वगैरह से या किसी के भी साथ कि नहीं। ओके आजा बेटे। अरे मर गया तो भाई, ओ माय गॉड भाई 1 second में मर गया। इसके पास आयरन के बूट्स थे इसके हाथ में, यो क्या ही खतरनाक थे भाई। मारो 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 तुम मेरे को। अरे भाई मेरे पास आर्मर इतना तगड़ा, भाई क्या टेस्ट है यार, ये भी कोई टेस्ट हुआ है? एक सेकंड में इनको मैं मार सकता है पर बदसूरत कहीं के। और यहाँ पर मेरे को एक बटन मिला है, इस बटन के साथ आगे चलते हैं। ओके ये वाला स्टेज एक्चुअली इजी था, बट इससे पिछले वाला जो स्टेज था हमारा वो बहुत ज्यादा खतरनाक था ब्रो। मैं अलग ही जगह पे टीपी हुआ यार अभी। स्टैंड ऑन, ओके स्टैंड किया, कुछ भी नहीं है भाई, ये सब खराब माल है यहाँ पे इन्होंने हमको दिया हुआ। और इसके अंदर क्या, इसके अंदर खाना है, खाने की जरूरत नहीं हमें। लेट्स गो आगे। एंड यहाँ से ऊपर, ओ माय गॉड, अल्ट्रा गियर फॉर हीरो ब्राइन बॉस बैटल। व्हाट, अबे ये क्या मजाक हो रहा है यार, हम लोगों का हीरो ब्राइन के साथ यहाँ पे पंगा होने वाला है?
अल्ट्रा गियर फॉर हीरो ब्राइन बॉस बैटल, आर यू सीरियस? और यहाँ पे देखो, ओ माई गॉड, यहाँ पर हमारे अनब्रेकिंग एंचांटेड एंचांटमेंट लेवल 100 वगैरह दिए हुए ब्रो, और ऊपर से दो दो आर्मर्स दिए हुए, फिशिंग रॉड भी दिए हुए, कुक्ड सैल्मन, एंड यहाँ पर हम लोगों के बहुत ही खतरनाक वाली डायमंड की स्वॉर्ड भी दी हुई है। ओके, मैं ये सब कुछ यहाँ पे निकालने वाला हूँ नीचे, और ये सब कुछ मैं यहाँ से ऊपर डालने वाला हूँ, और जो ये वाले आर्मर्स है सारे के सारे मैं पहनने वाला हूँ। गाइस हम लोगों को अभी यहाँ पे लिटरली हीरो ब्रांड के साथ पंगा लेना है। ओ माई गॉड, यहाँ से अंदर हमारा हीरो ब्रांड होने वाला पक्का। अरे एक मुझे यहाँ पर बदसूरत ज़ॉम्बी दिख रहा है, बट हीरो ब्राइन कहाँ पर है मुझे ये बताओ। गाइस ओके, मैं अंदर जा रहा हूँ। भाई बंद मत हो मेरे मुंह के ऊपर, लेट्स गो। अरे मुंह के सामने बस एक ज़ॉम्बी है यार, हीरो ब्राइन कहाँ पर है? हेलो, एकदम से यहाँ पे हीरो ब्राइन को भेज। इस बंदे का नाम हीरो। ओए हेलो यार, मजाक रख, ये क्या मजाक है यार। गाइस इस बंदे का नाम हीरो ब्राइन दिया हुआ यार, आर यू सीरियस ब्रो? एक सेकंड रुको, इससे तो मैं बिना आर्मर के लड़ने वाला। आ जा बेटा, ले मार दे, ले। मैं मरने वाला हूँ। पहले सब पहन ले। यो, इस बंदे ने मेरे 6-7 हर्ट्स खाए। हाउ इज दिस पॉसिबल? गाइस मैं अभी ऑलमोस्ट ओवर कॉन्फिडेंस में आके मरने वाला था। ओ माई गॉड, यो रुको, इसको मारते हैं। मर मर पकौड़े, मर जा, तेरी ऐसे की तैसे मर नहीं रहा है बंदा। ओ माई गॉड यार, यो भाई मैंने भी खुद को मरवा दिया था गलती से। इस बंदे ने मेरे को 2 शॉट किया होता ना, मेरी बैंड बजानी थी अभी यहाँ पे। गाइस मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है भाई, और इसने यहाँ पर एक बटन छोड़ा है और इसके ऊपर लिखा है हीरो ब्राइन्स फेस्ट ऑफ पावर। भाई हिमलैंड के अंदर हीरो ब्राइन कब से आ गया? हीरो ब्राइन नहीं था यहाँ पे, और मैं तब से लेकर कंटिन्यूसली कैसे जल रहा हूँ? ये क्या मजाक हो रहा है, मैं कंटिन्यूसली जले जा रहा हूँ गाइस तब से लेकर। अरे मेरे को समझ नहीं आया क्या हो रहा है। एंड हेलो भाई, सारे के सारे बंदे बाहर है। यो ओ माय गॉड, भाई तुम लोग यहाँ पर कब से पहुंचा रहे? मैं तब से लेके आग बुझा रहा हूँ यार। भाई साहब, भाई पता है हमारे पीछे क्या हुआ? नहीं नहीं, हो गया भाई, हो गया यार। ओ माय गॉड भाई, भाई हीरो ब्राइन आया वहाँ पे मेरे से लड़ने के लिए, एक बदसूरत सा, वो भी उसमें क्या बोलते ज़ॉम्बी के फॉर्म में यार। अरे हमारे यहाँ पे तो होगा लाला भी आया भाई साहब। अरे होगा लाला का 30 सेकंड बिता के आ रहा हूँ मैं, 30 सेकंड। मैं जो बच्चा हूँ ना, मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था भाई। इसका जो टेस्ट था ना, ये एक्चुअली बहुत खतरनाक था। अरे ऑलमोस्ट 1 सेकंड में मैं खुद 1 सेकंड में बचा हूँ, सीरियसली। फलाना जी पीछे खड़ा यार भाई साहब, और फलाना जी कहाँ? फलाना वहाँ पे जा रहा है। उधर एक बारी ये कुछ बोलना चाहता है क्या हमसे? और अगर तो फलाना जी ने हमको बताया कि भाई बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने इस टेस्ट को पार किया, बट जितना भी हमारा है सारा का सारा आर्मर एंड ऑल है ना, सब फेंकना पड़ेगा हम लोगों को, बिकॉज यहाँ से ये हम लोग लेके जा नहीं सकते हैं। अब इसके बाद ये लोग जब यहाँ पे एक नया बकरा लेकर आएंगे ना, तभी यहाँ पर ये इसका इस्तेमाल करने वाला है इसके आगे। अब कैसे हम लोगों को जाना है एक फाइनल टेस्ट के लिए फलाना जी के साथ, जो कि उस डायरेक्शन में आने वाला। चलो गाइस, और यहाँ पर ही फॉल डैमेज नहीं है, दिस इज नाइस। अब इसका पीछा करना और कुछ भी नहीं करना, एक आखिरी टेस्ट बचा हुआ है यार, उसके बाद हम लोग एनटीटी की टीम में शामिल हो सकते हैं। लेट्स गो, आई एम सो एक्साइटेड यार। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोगों ने एक जुगाड़ यहाँ पर किया हुआ है। हम लोगों ने कहा जितने भी हमारे वॉइस चैनल है ना, सब कुछ यहाँ पे चेंज कर दिया, और जो हमारा फलाना जी है ना, ये हमारी आवाज बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। ऐसे हो पूरा प्लान काम कर रहा है बेटा, कर रहा है ना काम प्लान। क्या बोला था उस टाइम पे मैंने आपको, है डर रहे थे बंदे भाई, यकीन नहीं मेरे ऊपर यार, यकीन नहीं मेरे ऊपर। अभी फोकस करो, अभी फोकस करो, अभी सिर्फ हम लोगों को लास्ट वाला पड़ाव पार करना है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा ना गाइस, हम लोग उसके बाद लिटरली सोचो फलाना जी खुद हमें लेके जाएगा भाई वहाँ पे डार्क एंटिटी के पास। तैयार हो ना, वो पोशन फेंक के मार देना उसके मुंह के ऊपर, लगना चाहिए। Exactly. और ये हमको पता कब मारना पोशन? सुनो, पोशन आपने हर कभी मत मारना। जैसे ही हम लोग जब हमारी एंटिटी मुंह के सामने आएगी, उस टाइम पे हमको पोशन मारना, उससे पहले नहीं मारना भाई, ठीक है ना? ड्रीम बॉय बिल्कुल भी नौटंकी बात करना, देख रहा है। जो हमारा आखिरी स्टेज है ना, उस स्टेज का नाम है गाइस इनविजिबल पार्कोर। पता है ये एंटिटी है ना, मेरे को पता क्या लग रहा है इसे, ये एंटिटी का जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है ना भाई कैंडिडेट्स को लेने का, बहुत खतरनाक है भाई। आखिरी वाले का नाम है गाइस इनविजिबल पार्कोर, जिसके अंदर हम लोगों को पता नहीं कैसे पार्कोर करना पड़ेगा, बट नीचे एसिड होने वाला है, और अगर हम तीनों में से कोई भी बंदा नीचे गिरा, हम लोग मर जाएंगे और वो बंदा बाहर हो जाएगा। मुझे पता नहीं था कि फलाना जी ने ये पार किया होगा स्टार्टिंग में। अरे भाई फलाना जी ने पार किया, तभी तो ये उसके गैंग में गया हुआ बंदा भाई, यही तो मेन है। अरे पीछे देख रहा है, किसको लगे? पता भी
ये फलाने को पता ही नहीं है शायद कहाँ पे जाना है, क्या कर रहे क्या? अरे फलाने जी क्या हो गया, पीछे को देख रहे हो? चलो जल्दी आ गए यार। जी एंटिटी हमारे, हम लोग भाई तब से लेके कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं यार, हम लोग तब से लेकर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं भाई। दो मिनट के लिए तो मेरी सांस अटक गई थी, सच बताऊं तो जैसे सोल निकल ली होगी भाई। सारे के सारे बंदे यार के पास हमें लेके चलो फलाना जी प्लीज। ओ वहाँ देखो सामने फलाने जी कहाँ पर है, ये क्या इसने बेसबॉल का क्या ग्राउंड में गड्ढा बनाया है भाई इसने यहाँ पर बड़ा है सर। अरे आ गया ब्रो, ये तो एक स्विमिंग पूल है। अरे यही तो है, यही तो हमारा आखिरी स्टेज। क्यों कर रहा है मुझे समझ में आया पहली बात भाई, ये इनविजिबल वो है, ये क्या बोलते उसको पार्कोर, और नीचे का ये पानी नहीं है एसिड है, ये इसके अंदर अगर लोग गिरते हैं ना भाई खत्म हो जाएंगे। ये इनविजिबल पार्कोर है, आई हैव नो आइडिया। दरअसल लोग यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे? बंदा कुछ तो हमको बोलने की कोशिश कर रहा है, एक सेकंड रुको ऐसे मैं बात करके आता हूँ। और अगर तो फलाना जी सभी हम लोगों ने बात करे, इसने बोला कि हम लोगों को यहाँ से इनविजिबल पार्कोर करके पूरा ये घूम के जाना है वहां पे, एंड जितने बंदे इस पार्कोर को पार करेंगे वही बंदे एलिजिबल है डार्क एंटिटी की उस आर्मी के लिए। एक बार ट्राई करते हैं, ट्रैप हुआ यार, ये ट्रैप हो सकता है भाई, अगर इसको मारना होता आपको अभी तक कब का मार चुका होता। आ जाओ नीचे के लिए जरा यार। पहली बात तो मैं मुझे यही लैग, तुम दोनों लैग हो रहे हैं यार मेरे स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यार लैग हो रहे एक्चुअली। अरे लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ पे, सपोज करो अगर नीचे मैं, अच्छा मैं समझ गया हूँ, हमको ये वाला जो पाथ है ना ये ट्रेस करना है, एंड इसी के ऊपर यहाँ पर पक्का वो इनविजिबल ब्लॉक होगा। बट सपोज करो अगर नहीं हो तो क्या करेंगे ऐसे? अरे तो मर जाएंगे और क्या। अरे मर जाएंगे भाई, कैसे बात कर रहे हैं यार, हम लोग सच्ची मर जाएंगे। घर पे जा रहे हैं तुम लोग, ब्लॉक के हम लोग ऊपर नहीं जा सकते बाय द वे। मेरे पास ब्लॉक नहीं है आई स्वेयर, मेरे पास भी ब्लॉक नहीं है। सुनो मैं काम कर रहा हूं, मेरे पे होंगे यार, क्या बात कर रहे हो आप। 3 2 1 है यहाँ पे। अरे बच गया, अभी बता ना। अरे ऐसे भाई एक ब्लॉक में दो बंदे कैसे चढ़ेंगे यार, मैंने शिफ्ट दबाया हुआ भाई, क्या मैंने भी शिफ्ट दबाया हुआ है मेरी। छोड़ना मत, छोड़ना मत शिफ्ट को, ठीक है ना? मैं मेरे को धक्का मत देना प्लीज, मेरे को धक्का मत देना। आपने छलांग मत मारना, एक ब्लॉक पे तीन बंदे नहीं आ सकते हैं, ठीक है? मेरे को लग रहा है यहाँ से मेरे को सेकंड वाले पे छलांग मारनी है, जो कि हमारा मारो तो इस वाले के ऊपर देखो जो सेकंड वाला दिख रहा है नीचे, आया मैं आगे। गुड, पहले वाले पे आओ और बहुत ही प्यार से, बहुत प्यार से आना, बहुत प्यार से आना। ओके मैं जा रहा हूँ यहाँ से आगे, और ये वाला थोड़ा टफ हो सकता है, एज़ियो ये वाला थोड़ा टफ है, इसमें ज्यादा गैप है, ठीक है? आराम से। आपने मुझे बुला दिया कि यहाँ पे ब्लॉक कहाँ पे था, यहाँ पे था ना? अरे ब्लॉक देखो थर्ड वाले पे, नीचे देखो ऐसे, नीचे लैंटर्न को ट्रेस करना है यार। इसको पता ही नहीं, ये हवा में छलांग के मारा आपने, दो ब्लॉक की छलांग कैसे मारी? मैं आपको देख देख के आ रहा था। अरे भाई तो डरा रहा है यार, ऐसे सब कुछ आना है भाई। बहुत ही गंदे वाला लैग हो रहे हो, बहुत ही गंदे वाला लैग हो रहे हो प्लीज। बट मैं इसको ना आसानी से पार कर रहा हूँ एक्चुअली, ड्रीम पर आराम आराम से आ, ठीक है ना भाई? घुसना मत प्लीज यार। माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। अब बस यार मेरे दो बच्चे हुए, तुम लोग पहुंच के पीछे। ड्रीम बॉय यार बहुत पीछे हो भाई, मरना मत। अरे गुड गुड गुड, एग्जैक्टली मेरे सामने, ये बंदा इतना लैग हो रहा है भाई, डर लग रहा है। आराम से आना गाइस, आराम से आना। और ये आखिरी वाला मैंने पार कर दिया, ओ माय गॉड। तैयारी करके आया भाई बंदा, चलो जी ऑल राइट, सारी के सारी लगाएंगे। एंड गाइस आ जाओ ऊपर के लिए, हम लोग फाइनली मैंने घुसा मार देना इस बंदे को, डार्क एंटिटी के उसमें आ सकते हैं मैन, है ना? है कि नहीं फलाना जी, आ सकते हैं हम लोग? फलाना जी हेलो, ये बोल क्यों नहीं रहा है? मुंडी को मार रहा है हमारा बेटा, लेट्स गो। ठीक है लेट्स गो ब्रो। और अगर तो फलाना जी से भी हमारी बात हो चुकी है, और फलाना जी अब हमें यहाँ पे लेके जाने वाला है वहीं पे जहाँ पर इसने हमारे सारे सारे आर्मर रखे हुए, बिकॉज अब हम लोग डार्क एंटिटी के पास जा सकते हैं। ओ माय गॉड, चलो फाइनली यार हम लोग एक अच्छे वाली गैंग को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली। ऑलराइट गाइस, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले भाई, कहां पर है हमारा सामान यार? पेड़ पे चढ़ भाई, डर लग रहा था। अरे फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं, सारा का सारा सामान हमारा एकदम सेफ है यार। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि सच्ची में हम लोगों ने कर दिया ये। अरे भाई पोशन भी है, तो अभी तक नहीं हो रहा भाई, मेरे को लग रहा था भाई अगर गलती से बंदे ने स्कैम किया बीच में। आई मीन बंदा बहुत नाइस है, बोला है उसने हमारे ऊपर, बिलीव कैसे किया?
सीरियसली बंदे ने बिलीव कर दिया यार कि guys, उसके साइड बाय द वे हम लोगों ने अभी अपना वीसी अगेन वही सेम वाला चेंज किया हुआ है। अगर तुम लोगों को लग रहा होना कि हम लोग ऐसी फालतू बातें करेंगे हैं फलाना जी के होते हुए, ऐसा नहीं हो सकता। मर्डर होना है क्या हमारा? भाई खत्म कर देगा। चलो भाई नंगे कहां गए फलाना जी? सारा सामान निकाल दिया आप लोगों ने नॉलेज को गाइस। अब ये हमको लिटरली वहां पे लेके जा रहा है यार, और अगर तो बहुत देर से लेके चलाया भाई फलाना जी ने। हम लोग ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत चले भाई, भाई कम से कम हम लोग अभी 4000 ब्लॉक चल के आए हैं। 4000 ब्लॉक और वो भी ऐसी डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन चेंज कर करके। फॉल डैमेज मिल रहा है हम लोग को। क्या फॉल डैमेज मिल रहा है हम लोग को? ओके सुनो, वाटर बकेट है ना आप लोगों के पास गाइस? ध्यान दो, मेरे पास है। एंड गाइस एक बात बताओ, एक बात बताओ जियो, बोला था ना मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। आपको लगता है कि हम लोग कभी यहाँ तक पहुँच पाते? इतना दूर इम्पॉसिबल था हमारे लिए भाई। चल चल चलो, मुझे तो उसका घर लगा था वहाँ पे, उसका बेस होगा। इन्होंने कहाँ पे गए यार? वही ना भाई। ब्रो हमसे ज्यादा ये लोग अभी हिमलैंड्स को जानते हैं, आपने ये चीज नोटिस करी? हाँ यार बिल्कुल एग्जैक्टली भाई। अरे भाई वीसी तो चेंज है ना, एक बार देख लो। चेंज होना यार, चेंज है भाई, चेंज है, सरोवर ही चेंज है पूरा। पता लगे फलाना जी सारी बातें सुन रहे हैं भाई। अभी भी हम लोग कितना आगे और जाएंगे यार? गाइस सीरियसली बता रहा हूँ, हम लोग कभी भी नहीं पहुंच पाते भाई इस डार्क कैसल तक। देयर इज नो वे। हम लोगों को या तो फिर कोई ना कोई और एडवेंचर करना पड़ता है। यहाँ पे बाम्बू फॉरेस्ट है भी, बाम्बू फॉरेस्ट के बीच होके आए भी हम लोग। मतलब इतना खोपचे वाला रास्ता था कि भाई साहब क्या ही बोलूंगा तुम लोगों को भाई। कहाँ गया फलाना जी यार? कितना अरे पांच तो बायोम चेंज हो गई है भाई, पीछे से वहां दिख गया यार। ओ माय गॉड, मैं पानी से होते हुए आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो यार, साथ चलो ना, कोई लपेट देगा। भूल गया यहाँ पे डैमेज मिलता है यार, मेरे दिमाग का मरना है भाई। गाइस मुझे गाइस सामने देखो, सामने देखो, मेरे को अभी तक महल तो नहीं दिखा है बट फोर्ट्रेस है, फोर्ट्रेस है वो। यस कितना ज्यादा सुंदर है भाई, ये एंटिटीज वगैरह इतनी अमीर कैसे होती है भाई? व्हाइट कलर का क्यों है? अच्छा ओके, रेंडर नहीं हुआ था। ये एंटिटीज इतनी ज्यादा अमीर कैसे होती है भाई? हम लोग तो भाई इतना अच्छा बना नहीं पाते यार, कभी भी नहीं है। इन लोगों के अलग ही बिल्डर्स होते हैं, वो एंटिटीज हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ओ माय गॉड यार भाई, ये फोर्ट्रेस बनाने में इतने साल लगा दिए इन्होंने भाई। कितना नेक्स्ट लेवल है यार, कितना नेक्स्ट लेवल है। ओके फलाना जी वहां पर है, सुनो वीसी चेंज करो, वीसी चेंज करो, वीसी चेंज करो, जल्दी करो फलाना जी। ओके पहुंच चुके हम लोग यहाँ पे यार। आप हम लोगों को थोड़े बहुत ग्राउंड रूल्स वगैरह भी समझा दो फलाना जी यार, कि मतलब जब एंटिटी हमारे सामने आएगी तो हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, लाइक सर झुकाना है, नहीं झुकाना है, कितनी देर तक झुकाना है, सब कुछ बता दो यार हमको आप यार। और अगर तो मिस्टर फलाना जी ने हम लोगों को यहाँ पर अभी सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि हम लोगों को एक्चुअली करना क्या है। बट इसने हमें एक चीज बोली कि भाई हम लोगों को ना एंटिटी के सामने ना ही शील्ड लेके जाना है, ना ही तलवार हाथ में निकालनी है। तलवार हाथ में निकालेंगे सजाए मौत मिल जाएगी सीधा ही। तो बस हम लोगों को उस एक चीज का ध्यान देना है एंड दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है ज्यादा। तो भाई सुनो, अपने एक हाथ को ना लाइक उसको खाली करके चलो, ठीक है ना? अगर आपके हाथ में कुछ भी उसको ट्राइडेंट या कुछ भी दिखा तो दिक्कत हो जाएगी। एंड गाइस एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। और अगर तो फलाना जी ने अभी हमें बोला है कि तुम लोगों को यहाँ पे मेन गेट के पास रुकना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट अंदर जा नहीं सकते हैं। तो फलाना जी अभी अंदर जाएगा और उस एंटिटी से बात करेगा, इंटरेक्शन करेगा एंड कुछ भी करेगा, बट देन उसके बाद ये हम लोगों को कंफर्मेशन देगा कि हम लोग अंदर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। और अगर तो फलाना जी यहाँ पर कंफर्मेशन लेकर आ चुका है, एंटिटी तैयार है भाई। एंटिटी खुश होगी हमको देखकर, एंटिटी लिटरली एकदम भाई से बावड़ी होगी भाई, बिकॉज एंटिटी ने गाइस हम लोगों की बहुत ज्यादा तारीफें सुनी, बिकॉज उसने हमें ही तो मारने के लिए भेजा था होगा लाला को। एंड अभी एंटिटी बहुत ज्यादा खुश है कि हम लोग एक्चुअली उसकी गैंग को ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, लाइक हमारी गैंग, लाइक हिमलैंड्स गैंग एक्चुअली। So, अभी वो बहुत ज्यादा खुश है। एंड अभी एंटिटी हमारे सामने आने वाली है। मैंने अपना वॉइस यहाँ पर फिर से चैनल चेंज किया हम तीनों का। एसजीओ बहुत ज्यादा ध्यान देना, एसजीओ आपके हाथ में अभी तक तलवार है भाई, मौत का फरमान मिल जाएगा भाई, मौत का फरमान मिल जाएगा भाई, ध्यान दो भाई, सीरियस इतना केयरलेस नहीं रहना है। बट मैं तुम लोगों को ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ, ये क्या जगह है यार, देख रहे हो नीचे एकदम बीहड इलाका, एंड वहां पर बीच जैसे में उसका महल है भाई, बहुत ही ज्यादा ऑसम है यार। के ब्लॉक्स है यार ये, है ना, समुद्र वाले ब्लॉक्स है भाई, ओशन मॉन्यूमेंट वाले ब्लॉक्स, एग्जैक्टली वही, बहुत ज्यादा सुंदर है। लेकिन भाई मैं बता रहा हूं, माइने इफेक्ट ना लगा। अब मेरी बात सुनना, कैसे सुनो, अगर हम लोगों की यहाँ पर फाइट होती है ना उसके साथ, तो भाई दिक्कत की बात यहाँ पर ये होगी कि हम लोग यहाँ पे फॉल डैमेज मिलने वाला है। ध्यान दे, नहीं गया। अरे ऐसे हार्ट अटैक मत दो यार एसजी यार। ओके भाई कहाँ पे लेके जा रहा है हम लोग, बिल्कुल मिडल में आ चुके हैं यार। मर्डर तो नहीं करने वाला वो बंदा गाइस, कितना हम लोगों ने एक्चुअली इसको बहुत ज्यादा तंग किया था। ये पूरा कैसल एक ही बंदे का है, माय गॉड कैसे। अरे भाई कितना सुंदर पेड़ है यार। अरे तो फलाना जी ने हमें यहाँ पे रुकने के लिए बोला है, एंड आई गेस इस पेड़ के पास
यहाँ पर गेम प्रो एंटिटी आने वाली गाइस, फाइनली इतने टाइम से लेके जिसका वेट किया हम लोगों ने, वो हमारे सामने आने वाली है। Smash like if you are excited to see dark entity। आ गया फलाना जी, आ गया। चलो 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 वहां से नीचे। ओ भाई लिफ्ट का सिस्टम है क्या? Has you? बंदा गायब हुआ। अरे भाई साहब बंदा गायब हो गया, सीरियसली। अरे माय गॉड, आई हैव नो आईडिया हमको कहां पर लेके जा रहा है यार। भाई दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही है, एंटिटी सामने आने वाली है यार। हमें इधर जाना चाहिए, मैं इनका आखिरी पाव खा रहा हूं। ओ माय गॉड भाई, मुझे लगता तो नहीं है कि हमें जाना चाहिए, बट लिटरली स्पीकिंग एक बटन दबाना है एंड एंटिटी हमारा वेट कर रही होगी। सुनो डरने की बात ही नहीं भाई, इतना आगे तक आ चुके हैं, यहाँ पे क्यों डरना हम लोग, है ना। प्रेशर प्लेट से दूर रहो। ओके करें स्टार्ट। अगर हम लोगों ने एंटिटी का विश्वास जीता है ना, तो होपफुली वो हमें नहीं मारेगा। ओके एज यू तैयार हो? यस मैं तैयार हूँ। 1 2 3 करो दबाओ। देयर वी गो। अरे आप क्या कर, अच्छा मुझे भी मारना पड़ेगा। अजीब चीज। ओ माय गॉड भाई ये क्या है, कितना अजीब लग रहा है ये। अरे अरे यार इसको बच गया, कोई बात नहीं। व्हाट द हेल ब्रो, माय गॉड इसका मुंह कितना अजीब है। फलाना जी क्या कर रहे हैं, इसके दांत क्या है ये। ड्रीम बॉय, ड्रीम बॉय, ड्रीम बॉय। हेलो भाई माल पकड़ाओ जल्दी, मेरे को जल्दी माल खोलो, ऐसे जल्दी ऐसे इसको खोलो, ऐसे इसको खोलो जल्दी, माल पकड़ो। ओके ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। ओह माय गॉड क्या हुआ, काम करके ऐसे शायद ये मुंडिया घुमा रहे फलाना जी। अरे इसको मारने के लिए, अरे फलाने वापस आ, अरे मत जा मत जा, मरेगा ये बंदा, वापस आ। मैं निकल गया बाहर, जल्दी आ जाओ आप लोग, वापस आ जल्दी आ जाओ, यहां पे जा, यहां पे जा, जल्दी निकलो निकलो, बटन दबाओ बटन दबाओ, निकलो यहां से। ड्रीम बॉय कहां निकल गया, भाग गया ये बंदा। अरे स्माइली बॉय मैं बाहर आ गया हूं यार, आप लोग जल्दी बाहर आ जाओ। आगे आगे मैं भी आगे, नीचे को चल, नीचे को चल, नीचे नीचे नीचे। आपको बोला था ना भाई फलाना जी का वशीकरण हुआ है यार। ओ माई गॉड, अरे यार मैं तो गालियां दे रहा था आपको, आप निकले भाई। अब चलो यहाँ से भाई निकलो, अभी मेरे दिमाग में बहुत ही ओपी प्लान चल रहा है। फलाना जी आपके पास आर्मर नहीं है, तो आप अभी यहाँ पे लड़ाई कर नहीं सकते हो, एंड जो हमारी पूरी पूरी एंटिटी है ना, ये एंटिटी यहाँ पर पूरी पूरी सतर्क हो चुकी है। ये ले लो आर्मर शॉट, इसको लड़ना नहीं है, इसको हमारे लिए बहुत ही ओपी काम करना है। आप बस मेरे साथ आओ, जल्दी आओ नीचे के लिए यहाँ से, जल्दी जल्दी इस बीच में आ जाओ। हम लोग पता नहीं कहाँ पर आ गए, एक जगह ढूंढते जहाँ पर छुप सके, और मेरे को भाई यहाँ पे प्लान डिस्कस करना है फलाना जी के साथ। फलाना जी अभी एक बहुत ही ओपी काम करने वाला है। अरे हम लोग लिटरली बाहर आ चुके हैं, दिस इज नाइस, जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ से बाहर चलते हैं और कहीं पर झाड़पुर के पास घुस कर वहाँ पर एक प्लान डिस्कस करते हैं। लेट्स गो मैन, यहाँ पर आ जाओ, नए वाले वीसी में ले लो भाई, आ जाओ भाई यहाँ पर आ जाओ। हाँ अभी तो ले सकते हैं ना हम लोग अपनी टीम में फलाना जी। ऑलराइट गाइस, तो हमारे यहाँ पर पूरी की पूरी डिस्कशन हो चुकी है, और फलाना जी को मैंने अपना ओपी आइडिया समझा दिया यहाँ पर पूरी तरीके से, कि इस बंदे के यहाँ पर एग्जैक्टली क्या करना है। मैं तुम लोगों के यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, बट जब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी, तुम लोग देखने वाले हो वो जो हमारा फाइनल ट्रैप होने वाला है, वो बहुत ही ज्यादा इनसेन होने वाला है। इतना इनसेन कि तुम लोगों ने कभी आज तक देखा नहीं होगा, एंड तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे को क्यों फलाना जी की जरूरत थी उस पर्टिकुलर ट्रैप को बनाने के लिए। गाइस अब याद होगा तुम लोगों को, सीरीज की शुरुआत हुई थी, चार बंदे अलग अलग थे, सीरीज की एंडिंग हो रही है, चारों बंदे एक साथ उस खतरनाक वाले एंटिटी को साथ मिलकर मारने वाले। सो अब गाइस हम लोग यहाँ से बिछड़ने वाले सारे के सारे बंदे। चलो फलाना जी आपको बिल्कुल भी हमारे साथ नहीं आना लड़ने के लिए, ठीक है ना। आपका काम सिर्फ एक ही है, जो कि है उस ट्रैप को बनाना, और एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर वो ट्रैप सूटेबल हो। मुझे नहीं पता, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। एंड गाइस सुनो, एसडीओ एंड ड्रीम बॉय आप दोनों मेरे साथ आओ, ठीक है ना, आप दोनों मेरे साथ आओगे, एंड हम दोनों जाने वाले अभी ऊपर उस एंटिटी से पंगे लेने के लिए। देखो हम लोग उसको मार नहीं सकते हैं, बट हम लोगों को एक चीज मेक श्योर करनी है कि वो फलाना जी के पास ना पहुंचे जब वो ट्रैप को बना रहा है, बिकॉज फलाना जी के पास इस वक्त आर्मर नहीं अच्छे वाला, ठीक है ना। एंड आर्मर अच्छा ना होने का मतलब है कि वो उसको लिटरली वन शॉट कर सकती है अभी, वन शॉट। अरे आपने बट वो वाली बात तो बताई नहीं, सीक्रेट हर्ट वाली। ओके गाइस आप लोगों को पता है, मेरे को फलाना जी ने बहुत ही मस्त सीक्रेट बताया। उसने मेरे को बताया कि इस कैसल के अंदर का एक ऐसी जगह जहां पर इस एंटिटी का दिल रखा हुआ है, बेसिकली हार्ट रखा हुआ है। एंड तुम लोगों को पता गाइस, अगर तुम लोगों के दिल के धड़कन रुक जाएगी तो तुम लोग मर जाओगे, लेकिन अगर इस एंटिटी के उस हार्ट को हम लोग यहाँ पे डैमेज कर देना, फाड़ दे बेसिकली, जो कि एक एंड क्रिस्टल के तौर पे रखा हुआ है, तो ये जो एंटिटी गाइस इसकी जो पावर्स है ना वो लिटरली खत्म हो जाएगी, एंड ये उसके बाद यहाँ पे ना ही होगा लालो को बुला पाएगा, बेसिकली इसकी जो मेन पावर है सारी सारी खत्म हो जाएगी। स्टिल ये पावरफुल होगी, यू नो फाइट वगैरह करने के लिए हमको इजीली पेल सकती है, बट इसकी जो वो सुपर नेचुरल पावर्स है ना वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो भाई मैं तो उसको ढूंढने वाला हूँ अभी अभी गाइस। चलो
अब ब्रो, आप फिर दोनों से पास मारना। एक टास्क है, सुनो मेरी बात। यस एग्जैक्टली, आप सही बोल रहे हैं, फिर इसको मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो गाइस सुनो, मैं तो जा रहा हूँ उसको खोजने के लिए, और तुम लोगों का काम है इस एंटिटी को रोकने का। सुनो, एंटिटी के पास जाए नीचे की नीचे, यार मेरे को तो डर लग रहा है मैन। यार देखो, अभी यहाँ तक आए हैं तो अब वो काम तो करना पड़ेगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है, एंटिटी अगर हमको मार ए, पीछे देखो पीछे, अरे होगा भाई, यार ऐसे डराया फिर, मार उसका, मार उसकी भैंस की, मुझे आ जाऊंगा धूल में, अरे उड़ता जो मैं डरा हूं यार अभी, ऐसे क्या डराया आपने भाई साहब यार। अरे भाई मेरी फट गई थी, क्या था वो, मैं दो सेकंड के लिए, मार उसको, मार उसको, मार उसको, मार उसको, उसको रगड़ दिया मैंने, मार उसको, तीन बंदे उड़ के भागने की कोशिश कर रहा है बंदा। गाइस जो हम लोगों ने घेरा इस बंदे को भाई, कहाँ गया, उड़ के जा रहे हैं गाइस, ध्यान दो, दिस इज द एंड गेम ब्रो, अभी अगर मरते तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। यहाँ पे तो भाई फॉल डैमेज है, तो मैं यहाँ पर अभी वाटर बकेट करके जाने वाला हूँ। ऑलरेडी गाइस इन लोगों की आवाज है यहाँ पर जानी स्टार्ट हो चुकी है। ओ भाई, अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई इन लोगों का घमासान युद्ध हो रहा है। मेरे को गाइस जल्द से जल्द पता क्या करना पड़ेगा, उस हर्ट को ढूंढना पड़ेगा, इस एंटिटी के हर्ट को। एंड आई हैव नो आईडिया फिलहाल को कहां हो सकता है भाई। गाइस ये महल बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है भाई, तबाहियां मचा दी भाई इसने तो यहाँ पे। अब वो हमको कहां मिल सकता है, मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, पहले एंट्रेंस के, अरे यहाँ पर, ओके ये है गाइस वाली जेल, मिस्टर फलाना जी यहाँ पर काम कर रहा है अभी, ठीक है मैं यहाँ पर जाऊंगा नहीं, मिस्टर फलाना जी को मैं अभी यहाँ बिल्कुल भी तंग नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ नीचे, यहाँ से नीचे चला आराम से। यार इतना बड़ा महल है, मुझे कहाँ ही मिल सकता है, मेरे को लग रहा है भाई ये होगालाल इनको मार ही ना दे यार कसम से। बट गाइस एक अच्छी बात है, जो होगालाल है डार्क हिमलैंड के अंदर थोड़ा कमजोर है, हमारे हिमलैंड के अंदर बहुत खतरनाक था। मैं पता नहीं कहाँ बाहर के गार्डन में जा रहा हूँ, मैं गलत जगह पहुंच गया था भाई, अभी मेरे पर बिजली गिर सकती थी। ये एंड गेम गाइस बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका है यार, सीरियसली मैन। और ये जो बिजली गिराता है ना गाइस, लिटरली स्पीकिंग बेडरॉक तक छेद करता है बंदा, इतनी खतरनाक पावर है वाली। ओ माय गॉड, अरे कहां पर ढूंढूं भाई, ये कितना बड़ा महल है यार, हो सकता है वो उसके बैक साइड में हो सकता है इस, ओ माय गॉड, हो सकता है उस इस महल के लाइक कोई बेसमेंट में हो भाई, कहां पे हो सकता है, मेरे को ढंग से ढूंढना पड़ेगा। ओ माय गॉड भाई, ये बहुत ही गंदे वाली फाइट हो रही है इन लोगों की भाई ऊपर। ओ दिख गया, यही है, यही है, पक्का यही है, देखो वहां पे, अरे आई स्वेयर यही है भाई। ओ माय गॉड, रुको आवाज सुनो यहाँ पे एक बारी, कैसे आवाज सुनो, धक धक होने की आवाज सुनाई दे रही है तुम लोगों को यहाँ पे, मुझे लिटरली साफ साफ सुनाई दे रही है। सो गाइस यही है हमारा वो, ओके लेकिन मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ, नहीं यार ये यहाँ पे होने जरूरी होते क्या ऊपर, देखो मैं इसके ऊपर यहाँ पे गाइस ब्लॉक भी प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज तो 100% होती ही होती है यार, इतनी सिक्योरिटी तो लोग रखते ही रखते हैं। अब मैं इसको तोड़ूंगा कैसे, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा भाई, 100% मैं तुम लोगों को बोल सकता हूँ इसको तोड़ने का। एक बार टूट गया गाइस, एंटिटी हमारी यहाँ पे कमजोर पड़ जाएगी यार। एंड अब तुम लोग सोच रहे होगे कि एंटिटी ने इतने खुले में क्यों रखा अपने हर्ट को, तो गाइस इसके कैसल को ढूंढना ही इम्पॉसिबल है मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर है गाइस, इम्पॉसिबल है यहाँ तक पहुंचना किसी का भी। बदसूरत आ गया, वो ऊंचे वाले शॉट लेकर आ गया बंदा, अरे मेरे पास, ओ माय गॉड मैं बेवकूफ यार, मेरे को आयरन लेने चाहिए थे थोड़े बहुत, उससे मेरे पास आयरन नहीं है, मैं बिना शील्ड के लड़ना नहीं चाहता हूँ। ओ माय गॉड, अरे मैं तो यहाँ पे कुछ प्लेस ही नहीं कर सकता हूँ, मैं तो भूल ही गया नीचे, ओ माय गॉड, यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, वहां पर शायद से मैं कोई ना कोई चीजें प्लेस कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा इस, मैं मर जाऊंगा अभी, यहाँ देख रहे हो पढ़ाई हट में लिटरली स्पीकिंग। ओके ये मेरे को बंदा उछाल उछाल के मारने वाला, दूर चलते गए थोड़ा सा लड़ने के लिए, जहां पर मैं एटलीस्ट नीचे वाटर बकेट क्लच तो कर पाऊं। इसकी पे इसकी, रुको आ जा तू, आया तू, आजा तेरी पकड़, ओके थैंक गॉड मैं यहाँ पर क्लच कर सकता हूँ। रुको इस बंदे को नीचे आके मारना पड़ेगा, नीचे ऊपर ऊपर क्या देख रहा, तेरी पकौड़े, रुक रुक तेरी भैंस की, रुक रुक रुक, टैसे करेगा ये भी कूड़ा के फेंक देगा, ये बंदा मर सकता है, मैं इसको इजीली मार सकता हूँ। अरे भाई साहब कोई नहीं, आप क्लच करेंगे, मैं बिल्कुल भी चाहता नहीं हूँ कि मेरे वेस्ट हो जाए। गाइस इस बंदे के पास ये बड़े वाली स्वॉर्ड है, बड़े बड़े टूल्स है, हो सकता है मैं इसके साथ उसको यहाँ पे तोड़ सकूं, हु नोस,
पर इसके ना बैक साइड से हमला करना पड़ेगा, मैं छुप के जाने वाला उसको मारने के लिए। ये बंदा सामने से मुझे लिटरली उड़ा रहा है यार। अरे यार देख लिया मेरे को, यस यस, पेड़ के नीचे, मैं पेड़ के नीचे रहूंगा अब। यहाँ उछाल 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 बेटे, यहाँ उछाल, यहाँ उछाल तू मेरे को। रुको मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास यहाँ पे एक प्लान है, आजा 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 आजा। यहाँ तो, यहाँ तो कुछ नहीं कर पाएगा, यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा बंदा, इसकी पावर यहाँ पे पावरलेस है। आ तू पकौड़े, अब मैं तेरे को बता, इसको लग नहीं रहा मेरा शॉट, ये बंदा बहुत तेज है। आधे बेटे आधे बेटे आधे बेटे आधे बेटे, ओके 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 ओके, यहाँ पर फटाफट गोल्डन एप्पल खाने वाला भाई। एक यहाँ पर होगालाल ने ऊपर यहाँ पे अजीब काम किया हुआ है, और ये होगालाल का डुप्लीकेट तेरी पकौड़े। ये एक आधे बंदे बचे गए यहाँ पे, मुझे लगा था सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, बट ये बंदा यहाँ पे जिंदा। आजा 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 आगे आजा आजा आजा, भाग रहा है ये बंदा भाग रहा है। सीरियसली ये बंदा मर भी सकता है अभी। यस ओ माय गॉड भाई, इसके पास यहाँ पे जॉइंट वाली पिकेक्स भी थी, हो सकता है ये जॉइंट वाली पिकेक्स से यू नो मैं उसको तोड़ पाऊँ। जॉइंट पिकेक्स है एक्चुअली इसके पास। ओके गाइस मैं इसके पास जाने वाला अभी, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओ भाई जल्दी आगे मेरे पीछे, जल्दी से मेरे को तोड़ना है उसको भाई साहब। ओ माय गॉड आजा तेरी मैं भाई, मेरे को यकीन नहीं हो रहा मैं एंटिटी के साथ लड़ रहा हूं। ओ माय गॉड भाई, इसके पास कितने ज्यादा हेल्थ है भाई, और इसके पास कितनी तगड़ी स्ट्रेंथ है भाई। मैं मर सकता हूँ अभी, मैं से नहीं लड़ सकता हूँ। ओ माय गॉड मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है, मैं अपनी आंखों के सामने देखने वाला हूँ अभी गाइस, अपनी आंखों के सामने। आजा आजा तेरी, ओके ओके ओके, साथ चल मेरे साथ चल मेरे। क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ? ओके मैं तोड़ सकता हूँ इसको, टूटेगा नहीं। गोल्डन एंचेंटेड एप्पल खाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लिटरली स्पीकिंग ये भाग रही है। ओ माय गॉड आधा बेटा आधा बेटा आधा बेटा भाई, लेकिन मरती नहीं है, मेरे पास कितने तगड़े। निकल 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 निकल, हाफ हेल्थ में हूं मैं, हाफ हेल्थ में हूं मैं। ओ भाई साहब, अरे नहीं 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 नहीं, ये एंटिटी भाई इसका हार्ट मैंने खा लिया गाइस, तब भी ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग है यार। नहीं नहीं नहीं, क्या ही गंदा है भाई। स्मार्टी सुनो फरार जी मुझे बुला रहे, जल्दी आ जाओ फरार जी, मुझे कुछ बोलना चाहता है। स्मार्टी भाई जल्दी आ जाओ यार, फरार जी को रेडी हो गए तैयार है। अरे भाई मार दे इसे, मेरे को मार दे इसने ऑलमोस्ट। तैयार है कि नहीं है उसका ट्रैप यार, जल्दी बोलो मेरे को। यस उसका तैयार है, तैयार है, तैयार है। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मैं देखा था उसने कहां पर बनाया हुआ है, मैं एंटिटी को लूर करके ला रहा हूं अपने पीछे, मेरे पीछे आ रही है। एज़ियो सीरियसली टॉकिंग, मैंने इसको मारा, मैंने इसको मारा, बट तब भी भाई इसका मैंने वो हार्ट फाड़ा, तब भी भाई इस बंदे के पास बहुत सारा हेल्थ है यार। मेरा प्लान ये था कि मैं एंटिटी को यहाँ पे घेरूंगा इससे पहले, बट अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं होगा लाला को साथ में घेरता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर वाले फ्लोर पे वो। अरे भाई चलो भाई, अरे ऊपर आगे ऊपर आगे ऊपर आगे एंटिटी ऊपर आगे, लेट्स गो लेट्स गो। फ्रांस जी तैयार रहना, फ्रांस जी तैयार रहना, जो हमारा डिसाइड होता है। जी सुनो, होगा लाल को नीचे लेकर आओ, होगा लाल को इस प्रिजन के पास लेकर आओ जल्दी। ऑलरेडी आपकी तरफ आ रहा है वो, ऑटोमेटिकली आपकी तरफ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यहां पर भी टावर अप करता हूं, देन उसके बाद मैं इनको इस जेल के अंदर लेकर जाता हूं। फ्लांजी कहां पे है? अरे वहीं पे फ्रांस तैयार है, सब कुछ तैयार है ना। गुड 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 गुड, एंटिटी भी आ रही है, कोई बात नहीं, लेट्स गो लेट्स गो भाई। अभी ना इसको फंसाना है इसके अंदर कुछ भी करके। अरे होगा लाला भी आ गया, ये सही हो गया भाई, रुको इसको तोड़ो एक बार। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, इन दोनों को दोनों बंदों के अंदर लेके जाना है आपके ऊपर आ रहा है जल्दी से। बस 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 एज यू, तैयार है भाई सब कुछ यहाँ पे, अभी मैं इनके यहाँ पे रगड़ने वाला हूँ सीरियसली मैन। ओ माय गॉड, ऊपर को तो नहीं आ रही ना, आजा बेटा ऊपर का, ऊपर को आओ तुम लोग एक बारी भाई, तब बताता मैं तुम्हें। को पहल दो उसका, वो बहुत ज्यादा वीक है, वो लाइटनिंग भी नहीं कर सकता भाई। अंदर चल अंदर चल, ओके मैं अंदर आ चुका हूं। फलाना जी मंदिर आ चुके, याद रखना आपने, ठीक है ना। आगे जल्दी बंद करो, बंद करो। यस ग्रेट 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 ग्रेट, एक बंद हो चुका है गाइस। देखो ये हमारा ओपी प्लान था सीरियसली टॉकिंग मैन,
ये बंदे मेरे को मार नहीं मार पाएंगे भाई, नल्ले भाई दोनों के दोनों, दोनों को रगड़ूंगा मैं अभी यहाँ पे। ओ माय गॉड, अरे और इसी चीज के लिए मुझे इसकी जरूरत थी भाई, हमारे इसकी फंस गया यहाँ पे। अगर अभी बाहर आ गया तो ये लोग मेरे पीछे पीछे, जल्दी आ जाओ यार। नहीं ओके, कितने हो चुके? तीन हो चुके हैं भाई, से तीन बची हुई है। मैं सीरियसली टॉकिंग, मैं यहाँ पे इनको लोग फंसा दूंगा अभी, मैं इनको फंसा के बाहर आऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इनको फंसा के बाहर आऊंगा। आओ तुम लोग सालो, तुम्हारी ऐसी ऐसी की तैसी गैस, आज हमारा वर्ल्ड फ्री होने वाला है इन दोनों से भाई, अभी मैं छड़ेगा नहीं। आओ तुम, आप पकड़ो, आ जाओ, कमाल 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 भाई, क्यों चांस ले रहे हो, जल्दी आ जाओ। ओके मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। अरे भाई नहीं, अंदर आ गए मेरे, नहीं आ जा। ओके 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 भाई, भाई क्या कर रहे हो भाई, नहीं मत लड़ो उनसे, अब आ जाओ। नहीं भाई अभी नहीं आ सकता हूँ मैं, अभी कितने आधे से ज्यादा हो गया, दो लेयर बची हुई ऐसी होगी, अभी दो लेयर बची हुई। मेरे पास एक प्लान है, मेरे हाथ पे कुछ पॉल्स है, मेरे पास कुछ प्लान है अभी, ठीक है ना। अभी थोड़ा बहुत इनको मेरे को और लूर करना है, लाइक 20 सेकंड और भाई, ज्यादा नहीं। कमान 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 कमान, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, 10 20 सेकंड और भाई, ज्यादा कुछ नहीं, 10 20। अरे एक लास्ट बच गया गाइस, अभी मैं कर दूंगा, अभी मैं कर दूंगा पक्का, अभी मैं पक्का कर दूंगा। राजा स्पाइडी आया किसी की वजह से, नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा एसडीओ, एसडीओ भाई इस बार मैं करके रहूंगा, बिल्कुल भी फंसना मत, नहीं फंसूंगा नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा। बंद हो गया, थोड़ा सा रह गया सर, बंद हो गया क्या वो एसडीओ? बंद हुआ था क्या गेट? अरे दरवाजा बंद हो गया है। अरे फाइनली, अरे ये क्या क्या है, रिस्पॉन इन अनदर वर्ल्ड, व्हाट? हेलो आपका आवाज कट रहा है, होगा लाला ने मारा मेरे को, इसकी बैस की आ गया यार, ओ माय गॉड यार, ओ पूरे 30 एपिसोड निकाले भाई बिना मरे यार, लास्ट पे जाके क्या ही भाई, वो पूरा का पूरा गेट बंद हो गया था और मेरी बस पर्ल बाहर ऑलमोस्ट लाइक 2 सेकंड के बाद लैंड होने वाली थी, मैं बच जाता यार 2 सेकंड, ओ माय गॉड। अब देखते हैं गाइस मैं कहां पर रिस्पॉन होने वाला हूं।